कैप्टन। चल कुणाल चाय पीते भाई। पर भाई कैसे तू देगा? अरे यार टेंशन ले रहा है इस बात की। चल हाँ चल। चाचा दो चाय कर देना और बता। तू बस बढ़िया यार। सिगरेट लेना? नहीं यार छोड़ दिया। चल हाँ चल। बिल्कुल चल यार कुछ खाते चल के। नहीं यार घर पर भी खाना खाना है। आजकल वैसी बैठ बैठी पड़ी है। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं यार बस डेली का कोई सीन कोई चिक चिक। और तेरी जॉब का क्या हुआ? जॉब का यार लगी जाएगी जब तेरे लगी है तो मेरे क्यों नहीं लगेगी यार। ये क्यों टेंशन ले रहे हो लगेगी यार। घर छोड़ दे आज ट्रिप के लिए छोड़ दे यार। चल चल भाई आवारा होता जा रहा है लड़का। घर आने का कोई टाइम है इसका? चल भाई चल यार। ले भाई चल ओके मिलते हैं भाई। टेक केयर बाय बाय। अरे 10 बज चुके हैं इनकी नबाबी खत्म होने को नहीं आ रही है। रोज रोज का इनका ड्रामा बहुत हो गया बस। पापा आ जाएगा आप अपनी टेंशन मत लिया करो। देखियो अंकित कौन है? जी अभी देखता हूँ। आ गया भाई। लो आ गए नवाब साहब। कहाँ थे? अरे पापा कहीं नहीं मूवी देखने गया था कुणाल के साथ। सुना अंकित साहब मूवी देखने गए थे? दोस्तों के साथ बिजी हैं बड़े आदमी हैं। मन करेगा तो घर पहुंच ही जाएंगे। क्या हुआ पापा? अभी छोटा ही तो है समझ जाएगा। रहने दीजिए। अंकित अब तुम भी इसका साथ दे रहे हो? पापा मैं तो। अरे पापा अब आप शुरू मत करना। मूवी देख कर आना कोई कांड नहीं करके आना। ओ अच्छा तो वो भी कराओ। बाप बैठा है ना तुम्हारा सबकी सुनने के लिए। काश आज तुम्हारी माँ होती ना। पापा आप परेशान मत होइए मैं बात करूंगा इससे। चलिए चल के खाना खाते हैं। हाँ चलो। ये भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने में साहब को बड़ा मजा आता है। पता नहीं क्या करेगा ये। चलो बेटा। नहीं खाना खाना मुफ्त की रोटी बिल्कुल नहीं खानी है। जो पढ़ाई कर रहा हूं ना इंटरव्यू दे रहा हूं ना अब क्या करूं? एहसान बहुत बड़ा एहसान कर देते मेरे ऊपर। यार तुम लोग बस करो ना खाना खाने चलो। दिवाली आने वाली है और तुम लोगों ने पता नहीं है रोज रोज का क्या झगड़ा लगा रखा है। मैं कुछ नहीं करता इनसे बोलो यही खाना खा ले। आकाश रुक। भाई बात सुन। भाई बात तो सुन लिया। नहीं भाई मुझे अभी अकेले छोड़ दो। अच्छा चल यहाँ चल के बात करते हैं। आजा चल ना। ठीक भाई क्या करूँ मैं रोज रोज के ड्रम से पक गया हूँ मैं। एक माँ थी जो सपोर्ट करती थी और एक आप हो इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। भाई देख ऐसा करने से ना कुछ होने वाला नहीं है ठीक है। और यार वो तू बुरा मत मान देख वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि तेरी जॉब नहीं है। वो बस तेरे को सेटल देखना चाहते हैं यार नथिंग एल्स। भाई उनसे बोलो मेरी चिंता ना करें। भाई तू बात को तो समझ। भाई जब मैं तेरी जगह था ना तो मुझे भी सुननी पड़ती ठीक है समझ इस बात को। और यार वो पापा हैं यार उनके ऊपर इतना प्रेशर है यार जिम्मेदारियां होती हैं यार अंडरस्टैंड करे यार तू। भाई प्लीज अब आप शुरू मत हो जाना यार। ठीक है सर तेरे को जो करना है ना तू वो कर। हे महालक्ष्मी
मेरे परिवार में सब सुख शांति दें प्रभु, सबकी रक्षा करें, धन धान्य से भरपूर करें मेरे परिवार को, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें मेरे बच्चों के ऊपर। लो ढंग यार आरती ले लो। अंकित आकाश साहब को भी बुला लो, आरती ले लेंगे। जी बाबा भी बुलाता हूँ। आकाश कहाँ जा रहे हैं तुम? और ये बैग? नहीं भाई जाना पड़ेगा मुझे, रोज रोज के अंकित ताने सुनने से कहीं अच्छा है कि एक जगह जाकर रहूं। तुझे समझाया था ना दिल, और तू जा कहाँ रहा है? दिवाली के दिन कोई घर छोड़ के जाता है क्या? जा क्यों रहा है भाई? और ये सब छोड़ तू जा कहाँ रहा है ये बता तू पहले मुझे, बैग दे मेरे को। कहाँ जा रहा है यार, क्या हो गया? हम करेंगे ना यार, सॉर्ट आउट कर लेंगे सब कुछ। जा कहाँ रहा हूँ ये तो नहीं बताऊंगा, बट आई गॉट द जॉब, मैं परसों यही बताने आया था। पापा देखा फाइनली इसकी जॉब लगी गई, अब क्यों जा रहा है साले, अब तो तेरी जॉब लग गई है। ना भाई टेक केयर, जाना पड़ेगा मुझे। सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। जो हुआ उसे छोड़ो, आज तो दिवाली है, आज मेरा आकाश मुझे मिल गया। और वो क्या कहता है, हैप्पी दिवाली। पर तू तो जा रहा था ना, चलो निकलो। ये रिश्तों का त्यौहार हर दूरियां मिटाकर अपनों को जोड़ता है।